11 अगस्त को राष्ट्रपति ने विवादास्पद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक यानी द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। यह सर्विसेज पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है। यह 1991 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में अमेंडमेंट करता है। यह दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियंत्रण के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल यानी LG को दिल्ली सरकार से ज्यादा शक्तियां देता है। अब ये कानून क्या है, इसके प्रावधान और मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसका दिल्ली सरकार के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा, यह उपराज्यपाल को क्या शक्तियां देगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बिल बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसके पीछे क्या तर्क है, दिल्ली सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है और इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आप अंत तक यह वीडियो जरूर देखें। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार 50 रुपए और महंगा, बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। 3 अगस्त को यह लोकसभा में और 7 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया। 11 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। अब ये कानून क्या है, पहली बात, यह राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण या नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना करता है, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG को सेवाओं से संबंधित मामलों पर सुझाव देगा। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। अब समस्या ये है कि केंद्र सरकार प्रधान सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति करेगी। अथॉरिटी के सभी निर्णय मेजॉरिटी के आधार पर लिए जाएंगे, लेकिन जब दो लोग केंद्र सरकार द्वारा चुने गए हैं और दिल्ली सरकार की ओर से सिर्फ एक ही सदस्य होगा तो वो हमेशा माइनॉरिटी में ही रहेगा, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंपैरिजन में नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास ज्यादा कंट्रोल होगा। दूसरी बात, यह बिल उपराज्यपाल को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से दी गई सिफारिशों के समेत प्रमुख मामलों पर अपने एकमात्र विवेक का प्रयोग करने की ताकत देता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी सिर्फ सुझाव देगी। यह कानून LG को ये पावर देता है कि वो चाहें तो इन सुझावों को मंजूरी दे सकते हैं या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर LG और अथॉरिटी के विचारों में मतभेद होता है तो उस स्थिति में LG का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा, यानी कि दोनों ही स्तरों पर इलेक्टेड गवर्नमेंट के निर्णयों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तीसरी बात, इसी साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर केजरीवाल सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार समेत सभी मामलों पर दिल्ली सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल थे। हफ्ते भर बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित संविधान के विशेष प्रावधान में अनुच्छेद 239AA 239AA के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस के जरिए सेवाओं के नियंत्रण को लेकर आखिरी फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया था। यह कानून कहीं ना कहीं उसी बात पर मुहर लगाता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह बिल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब इसके पीछे क्या तर्क है, आइए समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में 3 सदस्य हैं, जिनमें से 2 मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य हैं। ये सदन वास्तव में तीसरे सदस्य यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को आउटवोट कर सकते हैं। इसके अलावा LG सुझावों को रद्द भी कर सकते हैं, इसलिए ये बिल प्रभावी रूप से केंद्र सरकार को दिल्ली में सेवाओं पर अधिकार देता है। अगर दिल्ली सरकार का लोक सेवाओं पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी मामले में कोई भी कार्यक्रम लागू नहीं कर सकती है।
यह ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करता है, विच इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड दिस प्रिंसिपल इन द रीसेंट 2023 जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट रेस्ट्स ऑन अ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट, सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, यानी लोक सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह हैं। सेकंड, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, यानी मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। एंड थर्ड, लेजिस्लेचर्स आर अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट, यानी विधायिका मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है। यानी अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट बी एबल टू हैव कंट्रोल एंड होल्ड अकाउंटेबल पब्लिक ऑफिसर्स पोस्टेड इन द सर्विस ऑफ हिज गवर्नमेंट। और इसलिए ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की पहली ही शर्त, यानी सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, लोक सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह हैं, को कमजोर करके यह कानून संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे को कमजोर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के एक फैसले में कहा है कि निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित सरकार के पास है, लेकिन अब यह कानून सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के इस फैसले का भी खंडन करता है। अब यह समझ लेते हैं कि इस कानून के पीछे क्या पॉलिटिक्स है। सबसे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कहती है, आप वो सुन लीजिए। ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे, डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और ये इसलिए किया क्योंकि बीजेपी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता देखी नहीं जा रही। 25 साल से दिल्ली में लगातार चुनाव हो रहे हैं, 6 बार पिछले 25 सालों में विधानसभा के मुख्यमंत्री चुनने के चुनाव हुए दिल्ली में। 6 के 6 बार भाजपा वो चुनाव हार गई, 1 बार नहीं जीत पाई, उनकी सियासी जमीन खिसक गई। तो अब उन्होंने सोचा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, सरकार ही खत्म कर दो तो दिल्ली की सियासत ही नहीं रहेगी। अब केंद्र की मोदी जी की सरकार क्या कहती है, आप वो भी सुन लीजिए। 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है, और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया, ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया। और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर। अब यह कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं, और इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर रही है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। इस विषय से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बेहद शुक्रिया।